हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स आपके जावा वेब एप्लीकेशन में क्या होते हैं। दैट मीन्स जब आप सर्वलेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो गाइस, तो फिर हमें जानना चाहिए पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनको बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पैरामीटर्स आर दोज वैल्यूज विच आर प्रोवाइडेड बाय द यूज़र टू एनी सर्वलेट टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट ऑपरेशन। इसका मतलब होता है कि जब हम कोई सर्वलेट बनाते हैं, लेटर सपोज हमने यहाँ पे एक सर्वलेट बना लिया है, ये सर्वलेट है S1, और अगर हम इस सर्वलेट को वैल्यूज़ दें तो वैल्यूज़ कैसे देंगे, हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं, इधर HTML पेज होता है, इस पेज पे फॉर्म बना देते हैं। अब ये फॉर्म में वैल्यूज़ कौन फिल करता है, वैल्यूज़ एक यूज़र फिल करता है, इस फॉर्म में वैल्यूज़ एक यूज़र फिल कर देगा। अब अगर ये जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़र फिल कर दे रहा है, और ये वैल्यूज़ जैसे ही, ये वैल्यूज़ कब सबमिट होंगी, जब ये बंदा क्या करेगा, यहाँ सबमिट बटन होगी, सबमिट को जैसे ही क्लिक करेगा ये सारी वैल्यू सबमिट हो जाएंगी किसी सर्वलेट वन पे। तो इसमें से जो वैल्यूज़ हैं, जो यूज़र ने दिया वैल्यूज़ सर्वलेट को, इन्हीं को हम लोग बोलेंगे पैरामीटर्स। तो ये एक तरह का पैरामीटर्स था, ऐसी वैल्यूज़ जो यूज़र प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वैल्यू web.xml में रख दी, ये वाली फाइल हमारी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है, जिसका नाम है web.xml फाइल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है। तो अगर आप क्या करोगे, इस फाइल में अगर कोई वैल्यू रख देते हो, इस फाइल में कोई वैल्यू रख देते हो, यहाँ 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 वैल्यू रख देते हो, और जैसे ही आप क्या करते हो, सर्वलेट को चलाते हो, सर्वलेट क्या कर सकता है, इस वैल्यूज़ को अपने अंदर फेच कर सकता है यहाँ पे। और अगर इसको फेच कर ले रहा है, दैट मीन्स ये भी एक तरीके का पैरामीटर हुआ, क्योंकि ये जो वैल्यू थी वो यूज़र ने दे दी थी, हम लोगों ने दे दी थी। तो ऐसी वैल्यूज़ आपके जावा वेब एप्लीकेशन में जो यूज़र देगा वो क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। अब वो फिर चाहे यूज़र के द्वारा फॉर्म के द्वारा वैल्यू आए, या फिर वो web.xml से वैल्यू आए। web.xml में अगर आप कोई वैल्यूज़ रख देते हो और सर्वलेट अगर उसे फेच करता है, तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स, इसीलिए वो पैरामीटर है। तो ये सारी वैल्यूज़ पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे सर्वलेट ओनली रीड द वैल्यू फ्रॉम फॉर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। जो पैरामीटर की वैल्यू होती है उसे सिर्फ सर्वलेट क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। आप खुद सोचो, जो आप फॉर्म से डेटा सबमिट करते हो, वो फॉर्म से डेटा सबमिट हुआ, वो वैल्यू रीड किया उसने, उस पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकता। या फिर अगर आप web.xml में कोई डेटा रख दोगे, उसे सर्वलेट फेच करेगा, तो सर्वलेट सिर्फ फेच कर सकता है और डेटा को यूज़ कर सकता है। दैट मीन्स वो सिर्फ रीड करके प्रोसेस कर सकता है, ना कि उसे चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या डिलीट कर सकता है। सर्वलेट कैसे डिलीट कर पाएगा web.xml में, उसे तो खुद हम लोग चेंज करेंगे या फिर कोई यूज़र चेंज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पैरामीटर्स मोस्टली, जो पैरामीटर्स होते हैं वो मोस्टली, अभी हमने एग्जांपल लिया था, वो क्या होंगे, डेटा सेंड यूजिंग फॉर्म। कोई डेटा अगर फॉर्म से सेंड हो रहा है तो पैरामीटर्स होंगे, या फिर आप इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स बना सकते हो। इनिशियलाइजेशन पैरामीटर मीन्स ऐसी वैल्यू जो आप किसके अंदर रख दो, जो वैल्यू आप web.xml के अंदर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। दैट मीन्स कि पैरामीटर्स ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हम लोग क्या करते हैं, यूज़र मतलब हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर्वलेट को रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग करते समय, या रिक्वेस्ट को प्रोसेस के लिए हम लोग डेटा जो दे देते हैं, अब वो फिर चाहे फॉर्म में दे, web.xml दें, ये होते हैं पैरामीटर्स। और अगर हम लोग देखेंगे कि सर्वलेट के अंदर पैरामीटर्स को कैसे आप फेच करोगे, तो सर्वलेट में पैरामीटर्स को फेच करने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, और उस ऑब्जेक्ट के पास एक फंक्शन होता है या मेथड होता है गेट पैरामीटर। तो आपको इसी फंक्शन को कॉल करना है, और आपको यहाँ पे उस पैरामीटर का नाम पास कर देना है। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली की वैल्यू पेयर में आते हैं, नेम होती है उनकी, वैल्यू होता है। जब भी पैरामीटर्स आएंगे तो कुछ ऐसे आएंगे, जैसे मान लो हमें भेजना है कोर्स, तो कोर्स इक्वल टू जावा। तो इसमें क्या है, ये जो कोर्स है ये इसका नेम हुआ पैरामीटर का, दैट मीन्स की हुई, और ये जो है उसकी वैल्यू है। तो हमको ये कोर्स यहाँ पास कर देना है एज अ स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, जावा रिटर्न कर देगा, तो नेम में आ जाएगा जावा, और फिर हम लोग इस नेम को यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम। दैट मीन्स कभी भी आपको पैरामीटर निकालने हैं तो गेट पैरामीटर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप फंक्शन यूज़ करोगे गेट इनिट पैरामीटर फॉर फेचिंग द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। जैसे कि अगर हमें इनिशियलाइजेशन पैरामीटर निकालने हैं, तो हमें फंक्शन यूज़ करना होगा गेट
init initialization parameter. अब अगर एप्लीकेशन स्पेसिफिक initialization पैरामीटर निकालना चाहते हो तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करोगे, और अगर आप सर्वलेट स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर निकालना चाहते हो तो सर्वलेट कॉन्फिग का यूज़ करोगे. ये सारी चीज़ें इनिशियलाइजेशन पैरामीटर क्या होते हैं हम लोग उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे. अभी आपको ये समझना है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं. पैरामीटर्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो सर्वलेट को यूज़र प्रोवाइड करता है फॉर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट. अब वो डेटा सेंड यूजिंग द फॉर्म इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स हो गए, ये सारी जो वैल्यूज होंगी वो एक तरह के पैरामीटर्स होंगे. इनको फेच करने का तरीका सिंपल होगा, या तो फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा गेट पैरामीटर, या तो अगर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा गेट इनिट पैरामीटर, और आपको नेम दे देना है, वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे इस वीडियो में देखा कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स को कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को कैसे हम लोग गेट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.